नमस्कार, बंसल न्यूज के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। मशहूर कॉमेडी शो भाभी जी घर पर है बीते कई सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है। वहीं शो के सभी किरदार अपने अनोखे अंदाज से इस शो को खास बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ऐसा एक किरदार है तिवारी जी का, जिसे एक्टर रोहिताश गौड़ शो की शुरुआत से ही निभा रहे हैं। शो में अंगूरी भाभी के पति का रोल निभाने वाले मनमोहन तिवारी यानी कि रोहिताश गौड़ आज जाना पहचाना नाम है। रोहिताश अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। आमिर खान की सुपरहिट फिल्म पीके में भी रोहिताश ने एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया था। इस फिल्म में वो एक पुलिस वाले के किरदार में नजर आए थे। आज मनमोहन तिवारी से उनकी रियल लाइफ और रील लाइफ पर ही हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ रोहिताश गौड़ यानी कि आपके प्यारे मनमोहन तिवारी जी जुड़ गए हैं। इसके साथ ही बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहिताश जी, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। जी शरद जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। सर, मैं चाहूंगी कि आप ही सवाल जवाब करिए मनमोहन तिवारी जी से और जानिए उनकी रियल लाइफ और रील लाइफ के किस्से। बहुत शुक्रिया जया। एक बार फिर मैं रोहिताश साहब का बहुत स्वागत करता हूँ। सर, आपकी दमदार एक्टिंग और आपका सहज अभिनय याद दिलाता है बहुत समर्थ अभिनेताओं की एक लंबी श्रृंखला मुझे याद आती है। उसी श्रेणी में हम आपको भी देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। जब कालका हरियाणा का एक नौजवान स्कूल में है और साइंस में वो जानबूझकर फेल हो जाता है, क्योंकि वो अपने पिताजी को ये मैसेज देना चाहता है कि नहीं नहीं, आप मुझे गलत स्ट्रीम में धकेल रहे हैं, मैं तो आर्ट का स्टूडेंट हूँ। और एक मैं धन्यवाद दूंगा उन शिक्षक महोदय को भी जिन्होंने आपके भीतर के अभिनेता और आपकी कला धर्मिता को समझा और बाबूजी को ये जानकारी दी। थोड़ा सा रिकॉल कीजिए वो कैसे दिन थे और वो घटनाक्रम क्या था। जी, ऐसा था कि मेरे पिताजी का हमेशा से ये कहना था कि ये जो कला है और खास के जो रंगमंच के लोग हैं, हालांकि वो भी रंगमंच से ही संबंधित थे, लेकिन उनका ये कहना था कि इससे रोजी रोटी नहीं कमाई जा सकती जी। और हिंदी रंगमंच की तो बहुत ही बुरी दुर्दशा है हिंदुस्तान में, कोई नहीं पूछता, तो इसलिए बेहतर है कि एक अच्छी छोटी सी नौकरी कर लो या कहीं पर भी ले, और वो तभी मिलेगी जब आप जो है वो ये थिएटर वेटर कला वाला त्याग के साइंस लोगे। पता नहीं उनको किसने उनके दिमाग में भर दिया। और मैं जो था वो बुरी तरह से इन सब्जेक्ट से नफरत किया करता था, लेकिन उन्होंने जो है किसी तरह से मुझे नॉन मेडिकल में 11वीं में दाखिला दिलवा दिया। और पता नहीं इत्तेफाकन क्या हुआ कि मैथमेटिक्स की जो टीचर थी किरण जुनेजा, उन्होंने मेरे से कोई सवाल कर लिया जो पता नहीं मैंने तुक्के से सही कर कह दिया, और उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो सही है, ये सही है, ये चलेगा। और वो साल जो था मेरे लिए इतना बुरा बीता कि मैं आपको बता नहीं सकता। रह रहकर मुझे होता था कब ये पीरियड खत्म हो, कब छुट्टियां हो, कब मैं शिमला जाऊं घूमूं, रंगमंच करूं, थिएटर करूं। तो ये चीज जो थी, मेरे फिजिक्स के एक प्रोफेसर थे एडी अरोड़ा साहब, उन्होंने पहचान ली और उन्होंने जो है खुद भी कलाकार थे अंदर से, तो उन्होंने एक देव अर्जुन ड्रामेटिक क्लब की कालका में स्थापना की, जिसके तहत हम छोटे छोटे नाटक करने लगे जी। तब मैंने अपने फिजिक्स के प्रोफेसर को कहा कि सर ये सब्जेक्ट मेरे लिए जानलेवा सिद्ध हो रहे हैं, आप कुछ ऐसा करो कि मतलब मेरे पिताजी को समझाओ कि भाई मैं इस सब्जेक्ट के लायक नहीं हूं। तो उन्होंने कहा रोहिताश जैसे जीवन चल रहा है उसको अभी चलने दो, नहीं मन कर रहा है तो मत लगाओ उतना मन, जिसमें मन लग रहा है उसको लगाओ, गौड़ साहब को मैं समझाऊंगा। तो उन्होंने किसी तरह से उन्हें समझाया कि भाई ये साइंटिस्ट नहीं, ये आर्टिस्ट है, तो इसको जो है वो किसी तरह से आप इन चीजों में मत उलझाइए। तो इत्तेफाक से ये हुआ कि मन तो लगता नहीं था, और हम जब परीक्षा हुई तो हम फेल हो गए उसमें, और हमने अपने फेल होने की खुशियां मनाई। उसके बाद आर्ट्स में एडमिशन दी गई, और आर्ट्स में आप विश्वास नहीं करेंगे हमने पूरी क्लास में टॉप किया। तब से अब मन में आया कि मतलब जो चीज मन को ना भाए वो ना करो। थैंक्स टू फिजिक्स के प्रोफेसर एडी अरोड़ा साहब जिन्होंने मेरे पिताजी को समझाया। और बहुत बड़ा मंत्र आप बातों में दे गए उन नौजवानों के लिए जो कई बार अपने पेरेंट्स के लिए या कई बार उनको खुद नहीं मालूम होता और वो मन को मार लेते हैं। तो मन को मारने पर सफलता नहीं मिलती है, मन को ठीक दिशा में जिधर मन जाना चाहता है उस दिशा में मन को ले जाने से सफलता है। जी बिल्कुल। मैं आपको देखता हूँ रोहिताश जी, तो आपके व्यक्तित्व को देखता हूँ, तो एक शब्द
साहित्य या अध्यात्म जहां से भी कहिए, दर्शन से भी कहिए, मेरे मन में आता है वर्जना मुक्त। ये क्या कुछ अध्यात्म का प्रभाव है या आपकी मस्ती है आपके भीतर की? क्योंकि मैं देखता हूं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय रंगमंच महाराष्ट्र में छोड़ दें, बंगाल में भी शायद छोड़ दें, जी दक्षिण भारत का मुझे जानकारी नहीं है बहुत दक्षिण भारत के बारे में कि वहाँ रंगमंच की स्थिति कैसी है। नहीं, वहाँ भी बहुत बेहतर जी, लेकिन उत्तर भारत में और हिंदी भाषी राज्यों में रंगमंच यानी सबसे एक गया गुजरा काम जैसे हिंदी पत्रकारिता को माफ कीजिएगा माना जाता है कि हिंदी का पत्रकार यानी वो बिना किसी प्रयास के वो हिंदी का पत्रकार बन जाएगा। तो ये जो लंबी यात्रा है, इस लंबी यात्रा में मुंबई तक पहुंचना, अपने को प्रमाणित करना, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से आने के बाद भी एक अभिनेता के तौर पर निरंतर परीक्षाएं देना, इसके बाद भी ये जो आपका सहज स्वभाव है, इट्स अ गिफ्टेड काइंड ऑफ थिंग या फिर आपके परिवार संस्कार या अध्यात्म या योग, क्या क्या इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। नहीं सर, इसमें यह है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जो चीज सीखी कि ये मतलब निरंतर अपने आप को वॉच करते रहना, क्योंकि वहां पर एक चीज सिखाई जाती है कि अगर आप जेन्युइन अभिनेता बनना चाहते हैं, और अभिनेता हमेशा अगर जेन्युइन होगा तो जो एक्टिंग है वो रियलिस्टिकली बहुत स्ट्रांग होगी। वेरी ट्रू सर, उसका जो हाँ जी वो बहुत स्ट्रांग होगी, अदरवाइज आप दिखावा करते लगेंगे। ये एक बड़ी अच्छी ट्रेनिंग के प्रोसेस में ही ये चीज आती है कि अगर आप एक्टिंग में रियल में उतरेंगे उसमें तो आप रियल लगेंगे, अदरवाइज आप दिखावा करते दिखेंगे जो कि फेक एक्टिंग कही जाए। बिल्कुल ठीक। तो ये मेरी ट्रेनिंग का असर मान लीजिए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वो जो बेहतरीन टीचर्स मुझे मिले, और तो ये मेरी मैं किस्मत का बड़ा धनी रहा हूं सर इस मामले में कि मेरे मुझे अध्यापक और मेरे दोस्त वो बड़े बेहतरीन मिले। जी 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 जी। तो ये सारा मतलब उसी का असर होगा फिर, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में योग और ध्यान ये सब तो क्योंकि एक्टिंग का हिस्सा ही है, तो इन चीजों की तरफ भी मेरा बड़ा ध्यान गया और हम लोगों ने चीजें बहुत अच्छी अच्छी एक्सप्लोर की है एज एन एक्टर और अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इस वजह से शायद आपको ये लगता है, और मैं अपने आप से आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा यार, नहीं हो रहा, अच्छा अब मैं इस कैरेक्टर को नहीं पकड़ पा रहा तो नहीं पकड़ पा रहा, अब मेरी हेल्प कीजिए कैसे करेंगे, तो यहां पर मेरी सच्चाई आती है, अहंकार नहीं आता, बस ये है। तो मैं समझता हूं इसको इस तरह से कि कुछ आपके व्यक्तित्व का भी इसमें गहरा प्रभाव है, और परंपरा से आने वाले बेहतर शिक्षक, चाहे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बजाज जी हों, वडोला साहब हों, जी राम गोपाल बजाज साहब, एडी अरोड़ा साहब जी, कि रॉबिन दास, रंजीत कपूर, एम के रैना, के रैना है, इब्राहिम अलकाजी साहब, मतलब बहुत लंबी फहरिस्त है सर, किस्मत का बड़ा धनी रहा हूं कि बड़े अच्छे टीचर्स गुरु मिले हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तो निश्चित तौर पर एक ऐसा जौहरी है जो अनगढ़ पत्थरों को भी हीरे में बदल देता है, और ढेर सारे हीरे आज अपनी चमक भारतीय सिनेमा जगत में बिखेर रहे हैं। जी, मैं बिल्कुल। आपके इस वर्तमान चरित्र की तरफ आता हूँ, आपने और आसिफ साहब ने इसको बहुत विश्वसनीय बनाया है सीरियल को, बाकी अदाकारों ने भी बखूबी उसी तरह से कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन जो जो पिलर्स हैं इस शो के वो तिवारी साहब भी हैं और दूसरे आपके अभिन्न मित्र जो हैं इस धारावाहिक में जी वो है विभूति नारायण जी। तो ये जो क्या आपने निश्चित तौर पर एनएसडी से आने वाले कलाकारों में ये गुण होता ही है कि वो अपने आसपास देखते हैं, और मुझे लगता है कि आप और हम जिस मध्यम वर्गीय क्लास से आते हैं वो ऑब्जर्वेशन में हमारी बड़ी मदद करता है, तो किस तरह से आपने ऑब्जर्व करके इस कैरेक्टर को विभूति जी के आसिफ साहब ने और आपने इसको निखारा तिवारी जी को? जी नेचुरली एक ट्रेनिंग का हिस्सा ही है ऑब्जर्वेशन और कॉन्सेंट्रेशन, हम लगातार अपने आस पास जो घूमते लोग हैं उनको उनके चरित्रों को ऑब्जर्व करते रहते हैं। मैंने बहुत बार अपने छोटे से शहर जहाँ से मैं आया हूँ कालका, शिमला, और जहाँ भी हमारे रिश्तेदार यूपी, आगरा वगैरह में रहते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे शख्स देखे हैं जो बहुत रोमांटिक किस्म के होते हैं और वो एक तरह से मतलब दिल हथेली पे लेके चलते हैं मतलब जी, तो, जी, जी, जी। तो इस तरह के लोगों को मैंने बहुत बहुत ऑब्जर्व किया है, खासकर मेरे एक मतलब अंकल ही थे वो जो है हमेशा जो है वो यूपी और अपने दिल्ली वगैरह में कहते आमने सामने घर होते हैं,
तो सामने जो हो रहा है वो आप देख सकते हैं और वहां जो हो रहा है वो आप देख सकते हैं, तो सेम इसी तरह से हमारा सेट है। तो वो अंकल भी जो है वो जबरदस्ती जो है वो टेरिस पर चले जाया करते थे और सिगरेट फूंका करते थे जी। तो मैं कहा करता था अंकल कर क्या रहे हो, कह रहे तू अपना काम कर मैं, और वो बार बार ऐसे ऐसे करके पता नहीं कहां देख रहे होते थे। तो ऐसे लोगों को मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया है। हाँ, और अचानक जो है ना हवा में कुछ शेरो शायरी करना या कुछ कविता सी पढ़ देना हवा में ही ऐसे ही, तो ऐसे ऐसे लोगों को मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। ये बड़े ह्यूमरस किस्म के लोग होते हैं। बिल्कुल सही। तो आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा जो है ये जमा की हुई चीजें हैं। और फिर कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण अभिनेता है जैसे उत्पल दत्त साहब है, इनके कुछ एक जेस्चर्स हमने लिए, जैसे मतलब जब भी वो फंसते हैं तो ई करते हैं। तो ये कुछ अच्छे अच्छे एक्टरों से ली हुई चीजें हैं जिससे हमने, और फिर राइटर ने जो लिखा है ये ऐसे करके ये चरित्र हमने खड़ा किया, ये इस तरह से तैयार हुआ। मुझे लगता है कि जो धारावाहिक के डायरेक्टर हैं उनका भी थिएटर से एक जुड़ाव रहा है, क्योंकि मैं देखता हूं कि अब बहुत कम ऐसे धारावाहिक मैंने देखे हैं जिसके हर कैरेक्टर पे काम होता है। जैसे भारतीय सिनेमा की एक क्लासिक फिल्म है शोले, चाहे जगदीप जी की बात करें, चाहे एके हंगल की बात करें, चाहे कालिया की बात करें, हर कैरेक्टर नगीने की तरह अपने फ्रेम में जड़ा है। इस धारावाहिक का भी हर चरित्र ऐसा है, वो भले ही कुछ क्षण के लिए स्क्रीन शेयर करता है लेकिन वो गैर ज़रूरी नहीं दिखता है। भले ही एक रिक्शे वाला हो जो मुँह लटका के आता है और यात्री को उसके गंतव्य पर छोड़कर चला जाता है, या तो किस तरह से आप डायरेक्टर को याद करेंगे? ये बिल्कुल, मैं डायरेक्टर को और इवन राइटर को, मनोज संतोषी और शशांक बाली साहब, अब राजन बागधरे साहब कर रहे हैं डायरेक्ट जी, इनको मैं बहुत मतलब कमाल का ऑब्जर्वेशन है। जो भी चरित्र इन्होंने चुने हैं वो एक से बढ़कर एक चुने हैं, और वो जो लिखावट है, वो जो लिखी गई है, जो मनोज संतोषी साहब ने लिखी है, वो इनको चरित्र प्रदान करती है। जैसे हमारा पगली कहना है ना, या जा घुइया के खेत में, मतलब जो कानपुर के रिमोट वो पुराने पुराने टाइम की चीजें वो लेकर आए हैं भाषा के अंदर, वो जो पिरोया है या संस्कार नाम का चीज है कि नहीं, अरे दादा वो जो हप्पू सिंह दरोगा बोलते हैं है ना, अरी मोरी मैया, ये सारी जो चीजें है ना, ये इनको अलग अलग श्रेणी में चरित्रों को बांधती है जिससे इनकी अलग आइडेंटिटी बनती है हर एक की। तो ये बेसिकली राइटर और डायरेक्टर का कमाल है, इन सब ने मिलकर जो है ये जो चुना है, ये चुनाव किया है। जैसे मैंने अपने आप को कभी नहीं सोचा था कि यार तिवारी के लिए मैं सूटेबल होऊंगा, लेकिन वो जो मनोज संतोषी है उन्होंने कहा नहीं गुरु, ये जो तुम्हारी आंखें और ये नाक और इस पर चढ़ा चश्मा है ना, ये मुझे चरित्र दे रहा है जो मैंने सोचा है। जी 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 जी। तो इस और ऊपर से आपकी भाषा वगैरह सब अच्छी है, कोई नहीं, बस तुम ही हो तिवारी जी, तुम ही हो, वो पीछे पड़े रहे। तो इसी तरह से एक व्यक्ति जो है वो सेट पर आए थे स्ट्रगल करने, मेरे दोस्त, वो जो है लाल कमीज और लाल पैंट और सफेद कमीज पहने आए थे, उनको उन्होंने मास्टर साहब का रोल दे दिया। उन्होंने कहा यार ये मुझे एक ऐसा मास्टर लग रहा है जो बड़ा काइया है लेकिन बात संस्कारों की करता है। जी तो बिल्कुल, तो संस्कार नाम का चीज है कि, तो ऐसे करके उन्होंने चुन लिया। तो ये इसका जो पूरा श्रेय है, मैं ये शांग बाली और मनोज संतोषी साहब, रघुवीर शेखावत, संजय कोहली साहब प्रोड्यूसर, हर्षदा जी, इन सबको दूंगा निश्चित। ये खुद अपने आप में बड़े मतलब, बिल्कुल सर, एक टीम वर्क है, एक नायाब टीम वर्क है, और सिचुएशनल कॉमेडी जो है उसका एक बहुत अच्छा ये एक हमारे सामने एग्जिबिशन करता है ये सीरियल, कि किस तरह से, क्योंकि मैं जब बासु चटर्जी को याद करता हूँ या मैं ऋषिकेश दा को याद करता हूँ और उनकी कॉमेडी फिल्म्स को याद करता हूँ, तो मुझे काफ़ी हद तक ये सीरियल उस सिचुएशनल कॉमेडी की तरफ ले जाता है जहाँ चरित्र अलग अलग घटनाओं में फंस कर स्वतः हंसाने के लिए हमें ले जाते हैं उस दुनिया में जहाँ बहुत आनंद है, जहाँ बहुत मजा। बहुत बहुत सही बात आपने करी, वाह वाह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक अभिनेता की यात्रा निरंतर परिष्कृत होती है, बढ़ती चली जाती है। आज आप जहाँ महसूस कर रहे हैं, मैं कहूँगा जीवन का एक मध्य का पड़ाव है आपके लिए, ये अभी बहुत सारी मंजिलें हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन मध्य के इस पड़ाव में आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? खुश तो आप हैं, बहुत हैं, मैं जैसा आपसे बात करके महसूस कर रहा हूं, अंदर कोई रिक्तता नहीं है, कोई खालीपन नहीं है, कोई वैक्यूम नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये किसी अभिनेता के लिए बहुत बड़ी ताकत है कि वो अपने भीतर एक किस्म के खालीपन को लेकर चले, अगर तो वो अभिनय को लेकर हो कि अभी बहुत सारे किरदार हैं,
हजारों ख्वाहिशें ऐसी हैं जिनको फुलफिल होना है, लेकिन वो किरदार को लेकर है। आप कैसे देख रहे हैं और आगे की अपनी यात्रा को कैसे इवेल्युएट करते हैं? जी, ये जो आपने मध्य का पड़ाव कहा ना, ये बड़ी बहुत अच्छी बात कही है। रियली देखिए, अभी मैं जहां पर हूँ उस स्थिति से मैं खुश तो बहुत हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मैं टिपिकल डेली सोप टाइप की चीजें नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने जो सीरियल किया था उसका नाम था लापता गंज, जो शरद जोशी की व्यंग रचनाओं पर आधारित, बहुत अद्भुत, बहुत जबरदस्त था जी, बहुत अद्भुत सीरियल था, जिसका एक सीन आजकल पूरे मतलब छाया हुआ है, जिसमें वो कोरोना वायरस की बात, हमने कोरोना वायरस की बात, जी बिल्कुल सही है जी। तो हाँ जी, तो वो उस सीरियल का हिस्सा था, तो मैं नहीं हूँ, ये मुझे खुशी है। लेकिन एक चीज की इच्छा मेरे मन में हमेशा रहती है कि लोग मुझे एक फ्रेमवर्क में ना बांधें। जैसे अक्सर अमूमन एक चीज मैं फेस कर रहा हूँ कि लोग मुझे एक कॉमेडी के जनर में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मुझे थोड़ी सी चिढ़ होती है। जी 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 जी। तो मैं इस पूरे उसको, क्योंकि ये हमारी एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी विडंबना है, उनको यही लगता है कि ये अगर ये लगातार कॉमेडी कर रहा है तो ये यही कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी हाँ जी, वो दाएं बाएं वो सोचते नहीं है। फिर अचानक अगर कोई एडी अरोड़ा साहब का टाइप का कोई आदमी आ गया, जो मेरे पहले प्रोफेसर थे, तब शायद चीजें बदल जाएंगी। जी, तो मुझे उस बदलाव का इंतजार है, जो मेरी इस शख्सियत से जो फिक्स होती जा रही है, इसको तोड़ के कुछ अलग सा करवाए। तो वो इच्छा अभी ये मध्य के पड़ाव में, अभी तो और भी पड़ाव है जैसा आपने कहा, तो वहां मैं ये चीजें एक्सप्लोर करने की जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मित्र जैसे पंकज त्रिपाठी हैं, नवाज हैं, बहुत कुछ अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरी भी इच्छा होती है उस तरह का काम करने। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म रचनात्मकता को विस्तार देने का एक और मंच है, और यहाँ भी मुझे लगता है कि बहुत हमने काफ़ी चरित्रों को देखा यहाँ की, उनके भीतर की डेप्थ और गहराई और अभिनय का जो एक चमत्कार है उसको हमने यहाँ फैलते हुए देखा है। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि हो सकता है कोई ऐसा चरित्र आपको मिले जो आपके भीतर कॉमेडी के जोनर से अलग आपको एक दिलचस्प किसी और बेहतरीन किरदार में हमको देखने के लिए मिले। कॉमेडी को काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है रोहिताश जी, ये जितना आसान दिखता है स्क्रीन पर, किसी को हंसाना कभी भी आसान नहीं होता, और वो भी लंबे समय तक हंसाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। आप जिस तरह से ये काम कर रहे हैं वो आपकी गहरी अभिनय क्षमता की तरफ तो इशारा करता ही है। आज जो अभिनेताओं के लिए मंच हैं, चाहे वो फिल्म्स हैं, टेलीविजन सीरियल्स हैं या OTT प्लेटफॉर्म है, क्या आप ये मानते हैं कि ये सूरत 90 और 2000 की तुलना में, या 2010 या 15 की तुलना में एकदम भिन्न है, मुख्तलिफ है, और आज एक अभिनेता को अपने को एक्सप्रेस करने के लिए उसके फेवरेट जो मंच हैं वो उसके लिए उपलब्ध हैं? बिल्कुल मैं मानता हूँ सर, बहुत मुख्तलिफ है, बहुत कुछ करने को है, और बहुत सारा हिडन टैलेंट सामने आ रहा है। अभी जो है वो हीरो जो है चिकना चोपड़ा नहीं चाहिए जी, अभी एक आम आदमी भी हीरो हो सकता है। बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आ रहा है सामने जी। अभी जो है पेड़ों के इर्द गिर्द डांस करना, गाने गाने वाला दौर खत्म हो गया है। आप अभी हमारी सीमा पावा, हमारी ही कुलीग रही है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में, जो हम लोग की बड़की थी, उन्होंने राम प्रसाद की 13वीं फिल्म बनाई है। आप देखिए क्या कंटेंट है, जबरदस्त, क्या अभिनय है जी, क्या जबरदस्त बातें कही जा रही है OTT प्लेटफॉर्म पे। धीरे धीरे जो है वो जो बहुत ऐसा टैलेंट था जिसे खड़े नहीं होने दिया जा रहा था, और वो बेचारा पीछे पीछे से छुपता 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 देखा करता था, अब वो सामने आ रहा है धीरे धीरे। तो ये एक बड़ा अच्छा समय है अभिनेताओं के लिए, डायरेक्टर के लिए, राइटर्स के लिए, और बिल्कुल समय बदल गया है सर। 2010 या 2000 की बातें थी, बदल गई, अभिनय बदल गया है, स्टाइल ऑफ एक्टिंग हैज टोटली चेंज, इट हैज बिकम वेरी रियल, बहुत रियल हो गया अभी। जो एक जमाने में जो था, जब गुरुदत्त साहब ने जब डायलॉग राइटिंग की प्रथा को चेंज किया था, बदला था अबरार अलवी साहब के साथ, कि इसको आम आदमी की तरह लिखो, आम आदमी की तरह लिखो, तब उन्होंने जो है वो जब लाए थे, तो वही परंपरा दोबारा से शुरू हो रही है। बातचीत की परंपरा, एक्टिंग में सिंपल बातचीत की परंपरा, पॉजेस की परंपरा, लंबे लंबे पॉज ले रहे हैं जैसे विदेशी फिल्मों में होता है। तो बड़ा अच्छा समय है सर अभिनेताओं के लिए, राइटर्स के लिए, तो
ऐसे में तो अपने आप को एक्सप्लोर करना बनता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है रोहिताश जी, जब इतना अच्छा एक्सप्रेशन भी ईश्वर ने और आपके व्यक्तित्व ने आपको दिया है कि आप इन बातों को न सिर्फ समझते हैं बल्कि बहुत ऊर्जा के साथ इनकी बयानी भी करते हैं। सर, बहुत अच्छा लगा इस बातचीत के लिए। मैं आपकी भावी अभिनय यात्रा और एक एक्टर के तौर पर आपकी गहराई को प्रणाम करते हुए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं, और आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो हम ज़रूर आपसे आपके किसी और किरदार को लेकर फिर बात करना चाहेंगे, जिसको मैं जल्दी ही फोरसीन कर रहा हूं किसी बढ़िया और बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। जया, मैं आपकी तरफ लौट रहा हूँ। बिल्कुल रोहिताश जी, बहुत धन्यवाद, आपने बंसल न्यूज से बातचीत की, अपना समय हमें दिया। शरद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो रोहिताश गौड़, जिन्हें आपने भाभी जी में देखा है, आपका फेवरेट सीरियल जो NTV पर आता है, और वहाँ पर आपने रोहिताश गौड़ जी को मनमोहन तिवारी जी के रोल में देखा हुआ है, जो कि आपको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, लेकिन आज उनके जीवन से जुड़े हुए कई अनछुए पहलू हमने जानने की कोशिश की है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।